Okay, in simple random sampling, what are the various notations used in this simple random sampling? Simple random sampling technique, and what are the various notations used in this? Today we will learn about this. Let y be the. अब आपको पता होना चाहिए कि हम जो भी observation ले रहे हैं वो एक finite population की है, ठीक है? So let us consider a finite population of capital N units. Let us consider a finite population of capital N units, ठीक है? And y be the character. And y be the character. Y वो character है under consideration, ठीक है? अब आपको पता होगा कि capital letters use करेंगे हम to denote the population units and small letters will be denoted for the sample units. If I am denoting capital N for the total units in the population, then small n will be used for the units in the sample. और मैं कहती हूँ अगर इसकी यूनिट्स में डिनोट कर रही हूँ U1, U2, U3 अप टू कैपिटल UN से, तो ये यूनिट सैंपल की कैसे डिनोट कर रही हूँ? स्मॉल U1, U2, U3 अप टू UN से, ठीक है? अब मान लो हम ये कहते हैं कि लेट yi बी द कैपिटल yi बी द कैपिटल yi बी द वैल्यू ऑफ द करेक्टर फॉर द ith यूनिट इन द पॉपुलेशन कैपिटल yi. अगर ये यूनिट है, मतलब ये अगर ith उसका है, तो क्या है इसका मतलब? मैं कह रही हूँ कि i यूनिट्स हैं टोटल पॉपुलेशन में, 1, 2 अप टू कैपिटल n, ठीक है? ये है पॉपुलेशन की यूनिट्स, y1, y2, y3, y4 अप टू yn. और इसी तरह से अगर एक सैंपल स्मॉल n यूनिट्स का है, तो उसकी उसकी यूनिट्स को मैं कैसे डिनोट करूंगी? स्मॉल yi से, ठीक है? I going 1 to n, स्मॉल y1, y2, y3 अप टू yn, अगर वो यूनिट्स है सैंपल की और ये यूनिट्स हैं पॉपुलेशन की, ठीक है? अगर मैं इस तरह से ले रही हूँ, इनको डिनोट कर रही हूँ, तो पॉपुलेशन मीन क्या होगा? पॉपुलेशन मीन क्या होगा बताओ? मीन निकालना आता है ना? तो कैपिटल वाई बार, अगर पॉपुलेशन का मीन निकाल रही हूँ मैं, कैपिटल वाई बार एन क्या होगा बताओ? 1/n समेशन आई गोइंग 1 to N yi, यही होगा ना, ठीक है? सिमिलरली आप सैंपल का लिख लो. सैंपल का कैसे लिखोगे? सैंपल का भी लिख लो. सैंपल का लिख लो, यहाँ पे क्या आएगा आपके पास? स्मॉल वाई बार एन इज इक्वल टू 1/n समेशन स्मॉल वाई, पूरी वाई की यूनिट्स और पूरी उसकी यूनिट्स ले लो, तो आप पॉपुलेशन मीन निकाल सकते हो, ठीक है? सैंपल मीन को हमने लिख लिया. मैं ये कह रही हूं लेट द सैंपल मीन मे बी रिटन लाइक दिस, y बार n इज इक्वल टू 1/n समेशन i गोइंग 1 to n a i y i. अब ये मैंने कैसे लिखा? देखो ये समझने की बात है कि ये मैंने कैसे लिखा. देखो कैपिटल yi ले रही हूँ और ai ले रही हूँ. देखो अब जो यूनिट्स मेरी स्मॉल yn है, मान लो मेरी पॉपुलेशन की कैपिटल n थी यूनिट्स 100 और मैंने सैंपल लिया सिर्फ 10 यूनिट्स का, वो 10 है कौन सी यूनिट? वो 10 है कौन सी? वो जो मैंने 100 यूनिट्स ली, वो मान लो ये समझो, वो जो मैंने 100 यूनिट्स ली 1 to 100, उनमें से ही कोई यूनिट एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, वही कोई 10 यूनिट आई ना, 10 उन 100 यूनिट्स में से सिलेक्ट हुई ना. तो एक्चुअल तो उस यूनिट का नाम, मान लो यहां से कोई कैपिटल Y30 वाली सिलेक्ट हुई जो मेरी स्मॉल Y1 बनी, कैपिटल Y50 वाली सिलेक्ट हुई जो मेरी स्मॉल Y2 बनी, 10 निकाली ना 100 में से. तो मैंने क्या किया, एक यहां पे AI लगा दिया. AI क्या लगा दिया? I इज इक्वल टू 1 to N, कि वो AI को मैं कहूंगी या तो वो 0 है या वो 1 है. अगर वो 0 होगा तो इसमें प्लस होगा, अगर वो 0 नहीं होगा इसमें प्लस. जैसे मैंने कहा मेरी पहली यूनिट 8th नंबर पे सिलेक्ट हुई, 8th वाई वाली सिलेक्ट हुई है, तो वो वाई वाली ना, कैपिटल वाई वाली सिलेक्ट हुई जो मेरी वाई स्मॉल वाई बनी सैंपल में, तो कैपिटल वाई 8 मेरी सिलेक्ट हुई. इसका मतलब कैपिटल वाई 1 से वाई 7 तो सिलेक्ट नहीं हुई,
तो उस टाइम पे ये ए क्या होगा मेरा जीरो, ठीक है, जीरो इंटू कैपिटल वाई वन प्लस जीरो इंटू प्लस जीरो इंटू प्लस जीरो इंटू, ये पूरी पॉपुलेशन तक जाएगा, लेकिन जब ये एट्थ तक जाएगा तो इसकी वैल्यू वन होगी, इसकी वैल्यू वन होगी। तो मेरे पास जब ये मैं ऐड कर रही हूँ y बार m, तो ये y बार m जब मैं ऐड कर रही हूँ तो यहाँ पर कौन सी यूनिट आ गई, y8। फिर मेरे पास जो सिलेक्ट हुई, ठीक है, मान लो फिर मेरे पास जो ये मैंने आपको लिखा है अभी, उनको यहाँ लिख के दिखाती हूँ, y बार m मेरे पास कैसे आया कि मैंने अभी कहा पहली यूनिट y8 सिलेक्ट हुई, दूसरी y15 सिलेक्ट हुई, तीसरी y 23 सिलेक्ट हुई, इस तरह से 10 यूनिट सिलेक्ट हुई है। तो कैपिटल पॉपुलेशन की ना, जो कैपिटल n तक जा रहा है, लेकिन ये फिगर बाकियों के लिए जीरो होती जाएगी, जो सिलेक्ट हो रही है उनके लिए वन होती जाएगी। और मान लो 8 सिलेक्ट हुई मेरी, तो डिवाइड बाई 8 आएगा, क्योंकि वो सैंपल 8 साइज का है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ठीक है ना, बात समझ में आई आपको। अब आप फिर इसमें ये लिख दोगे, फर्दर आप इसमें ये AI को डिफाइन कर दोगे कि मेरा AI क्या है, ये या तो वन है या जीरो है, लिख दो, वेयर AI इज इक्वल टू वन इफ द यूनिट इज इंक्लूडेड इन द सैंपल एंड इज इक्वल टू जीरो इफ द यूनिट इज नॉट इंक्लूडेड इन द सैंपल। AI इज इक्वल टू वन इफ द ith यूनिट इज included in the sample and it is equal to 0 if ith unit is not included in the sample, ठीक है। उसके बाद मैंने निकालना है s square, notations जो हम use कर रहे हैं उसके बाद है s square, capital S square, capital S square जो हम variance की बात करते हैं, mean square of the population है, this is 1 by n minus 1 summation I is equal to 1 to n yi minus y बार n का होल स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 समेशन y i स्क्वायर माइनस n इनटू y बार n स्क्वायर, ठीक है। देखो ये कैसे आया है ना। तो अब मैंने आपको पहले भी बोला है, वेरिएशन इज नथिंग बट, वेरिएशन क्या होता है, उस ऑब्जर्वेशन में से उसका मीन माइनस कर दो। स्टैंडर्ड डेविएशन ये होता है कि उस ऑब्जर्वेशन में से yi में से उसका मीन माइनस कर दो, कितनी दूरी है उसकी, कितना वेरिएट कर रहा है वो, ये स्टैंडर्ड, ये मेरा मीन है वाई बार एन, तो सारी ऑब्जर्वेशन वाई वन वाई टू वाई थ्री इसके इर्द गिर्द होनी चाहिए ना, कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए इस, तो वो जो वेरिएशन है उसी से तो स्टैंडर्ड डेविएशन निकलता है, कितना वेरिएशन है y1 का yn से, y2 का yn से, y3 का yn से, y4 का yn से, वो यहाँ पे वेरिएशन है yi माइनस y बार n, फिर उसका हम स्क्वायर ले लेते हैं, बट इट शुड बी 1 बाई n, लेकिन ये 1 बाई n नहीं है, ये 1 बाई n माइनस 1 है, जो कल की मैंने असाइनमेंट दी थी कि मीन जो है, एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ मीन इज एन अनबायस्ड एस्टिमेटर ऑफ पॉपुलेशन मीन, बट वेरिएंस इज नॉट एन अनबायस्ड एस्टिमेट, उसका जो हम निकालते हैं वो नहीं है, उसमें एक फैक्टर आता है, वो फैक्टर क्या आता है, जब हम 1 बाय एन माइनस 1 से उसको मल्टीप्लाई करते हैं, एन बाय एन माइनस 1 से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि यहाँ पे एन होना चाहिए था, यहाँ पे एन होना चाहिए था, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, n होना चाहिए था, n नहीं है, वो 1 by n होना चाहिए था, नहीं है, इसका मतलब मैंने इसको n by n minus 1 फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है, तो उसको अनबायस्ड बनाने के लिए हमें n by n minus 1 से मल्टीप्लाई, और जब हम इसे मल्टीप्लाई करते हैं ये कट जाता है, तो इसलिए मेरा यहाँ पर 1 by n minus 1 आता है ये फार्मूला में, ठीक है। इसी तरह से हम इसको सैंपल के लिए, जब हम सैंपल के लिए लिखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, स्मॉल s स्क्वायर, ये मेरा क्या आ जाएगा, स्मॉल एस स्क्वायर, देखो ये क्या आ जाएगा, स्मॉल एस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय n माइनस 1 समेशन i इज इक्वल टू 1 टू स्मॉल n y i माइनस y बार n स्क्वायर। अभी जो ऊपर मैंने एक्सटेंड करके लिखा था, दूसरा स्टेप लिखा था, उसे खोल कर लिखना कि वो कैसे आया, अगर कोई डाउट आएगा तो मुझसे पूछना, वो मैं बताऊंगी कि खोल कर उसका नेक्स्ट स्टेप कैसे आया, ठीक है, कल हम करेंगे थ्योरम बेस्ड ऑन दीज नोटेशंस।